आगे गरिमा चीची। हे देखा कैसे बेवकूफ बनाया उनको। चले चल एक मिनट, अगर वो मुच्छर कर्नल ने मैं फिर देख लिया तो? वो तो अपनी वाइफ के साथ गया। तो चिंता किस बात की, चलो सुधीर के घर। चलो रात वाले कोठी से पूछूं, शायद पता लग जाए सुधीर कब आएगा, कहाँ गया है। हाँ पूछ क्या। देखी अब क्या हुआ, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। We should go home. रुको। सारे आओ सारे आओ। वो देख फुटबॉल है। हाँ एकदम मेरी है। मगर अंदर कैसे जाएंगे, ताला तोड़ दूं? नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं किसी घर का ताला तोड़ना जुर्म है। बंद कर सकती है पुलिस स्टेशन में। फिर मेरी फुटबॉल। एक मिनट सोचने दो, फुटबॉल लगा रखी है। आइडिया, ये साइकिल किधर से आया? वो एक तमाशा, तू तो अंदर कैसे आती और फुटबॉल का ले जाती? चोर कहीं का, तेरे को तो मैं देखती। गॉड, अब क्या होगा? चीची को वो पकड़ लेगा, हम क्या खड़े खड़े देखते रहेंगे? खड़े खड़े क्या देखते रहेंगे, उस तरबान के बच्चे की हड्डी पसली तक कर देंगे। आओ मेरे साथ चलो।
तुमको छोड़ेगा नहीं, समझा? ओए वो हमको दे दो, वो दे दो, तो बबुआ का है, वो दे दो हमको, वो दे दो हमको, बच्चा लोग दे दो, बच्चा लोग करेगी बबुआ, हमारे तनख्वाह में से पैसे कटा देगी। बच्ची है क्या? ना भाई ना। नाम लिखा है? ना बाबा ना। फिर तुम कैसे कह सकते हो? ये फुटबॉल हमारी है। ओए हमारा नहीं है, ये बबुआ का है। उसकी है तो बच्ची लाकर दिखलाओ दरबार जी। बनना है क्या बड़ी हवेली का तुमको मेहमान जी? अरे कोई लुटेरों से बबुआ की फुटबॉल तो दिला देगी हमको। खबरदार, जो कहा लुटेरा, हमको बिना सबूत के पूछ चुके हो बहुत हमें तुम बिना किसी करतूत के। ओए बच्चा लोग माफ करो भाई, हम पर तरस खाओ, खुदा के लिए फुटबॉल दे दो। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। चल तेरे डैडी के पास, उनसे आज मुलाकात करेगा। ले तारा बोल जल्दी से। वो जल्दी कर, देर क्यों लगाता है? चल चल चल। वही बताया नहीं किधर है तुम्हारा घर? अभी तुम्हारे डैडी से मिलकर तुम्हारा सब हरकत बनाएगा। अभी से यह हाल है तो बड़ा होकर क्या करेगा? घबराओ नहीं, तुम्हारा भी खबर लेगा। खुद तो चोर है ही, इसको भी चोर बनाएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर दरबान चिच्ची को लेकर उसके घर चला गया तो चिच्ची को छुड़ाना ही होगा, फुटबॉल मिले ना मिले। अगर इस बार छूट गए तो फिर सीधे। ओए तुम्हारा घर किधर है? बहुत दूर है दरबान जी, बहुत दूर है। बहुत बोलते हैं, घर पहुंचे तो एक मिनट में तुम्हारा हेकड़ी उतार देगा। चिची, एक उंगली एक किलोमीटर। ओए बताया नहीं? 4 किलोमीटर आगे। 4 किलोमीटर बहुत दूर बताता है। अभी हम रिक्शा में ले जाएगा। है कोई रिक्शा? और रिक्शा वाले, और रिक्शा वाले, चलो रिक्शा में बैठो। अभी बताते कहाँ जाने का है, किधर चलने का है। बोलो, जिधर बच्चा लोग बोलते उधर ले चलने का है। अब रोता काहे को है तुम? अब रोने लगा? Thank you.
और फिर चैन उतर गया। तुम्हारा रिक्शा है या कबाड़ खाना, अब हम पैदल ही चलेगा। चलो पैदल चलता है। Thank you.
चीची, चीची। वे क्या करती? वर्जिश। हमसे कुश्ती लड़ेगी क्या? तो चलो। बार बार कैसा आवाज सुनाई देता? आवाज? कैसी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। थकान में अक्सर ऐसा ही होता है। या खुदा, किस शैतान से वास्ता पड़ गया है? किधर है तुम्हारे घर? वो इधर तो ताला पड़ा है। गली छत पर है। तो ये उनका आवाज था? वो चिलगोजे का छिलका तुम हमको बेवकूफ बनाया, नीचे से ऊपर लाया, इधर ताला। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। कोई बात नहीं, हम ऊपर भी चलेगा, ऊपर चलता है, चलो। एक टेलीफोन। हेलो, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार जी, मैं कमल वर्मा जी। वो बच्चों की FIR? हाँ, असल में मैं घर जा रहा था कि चौराहे पर ट्रैफिक रुक गया, तभी सुना कोई लड़की जोर से वरुण करण पुकार रही है। जी जी, आवाज में पहचान गया, गरिमा ही थी वो। जी जी हाँ, पकड़ लिया जी जी। और कोई नहीं मिला? हाँ, अभी गरिमा से पूछा नहीं जी जी, पर वो बता रही थी कि वरुण करण और चिच्ची भी यहीं कहीं हैं, किसी ने पकड़ रखा है उन्हें जी। ये तो नहीं पूछा, पर केस किडनैपिंग का ही है सर, किडनैपिंग का जी जी। हाँ, मार्केट तो मैंने सारी छान मारी है। आप अगर प्लीज अगर एक PCR वैन भेज दें इधर तो शायद कुछ मदद हो जाएगी जी। हाँ जी हाँ, हम हरी मेंशन के सामने वाली मार्केट में मिलेंगे। थैंक यू सर। पुलिस आ रही है, तुमसे पूछताछ करेगी, क्या कहोगे? I'll say that you were searching for football in that truck. नहीं, मैंने तुम सबके किडनैपिंग की FIR लिखाई। तुम कहना कि ट्रक वाला तुम्हें भगा कर ले गया था। सुनो, फुटबॉल की बात मत करना। मगर अंकल, किडनैपिंग तो फुटबॉल का हुआ है। हम तो मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस ने हमने लो, पुलिस आ गई। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। किडनैपर तुम्हें कहाँ कहाँ ले गए थे? मुझे? तुम्हें नहीं, तुम चारों को। कहीं नहीं, हम चार तो फुटबॉल। You know, आंटी, I have come to India for the first time, so I don't know any place out here. देखो ये बताओ कि वो ट्रक ड्राइवर तुम्हें किसके पास ले गया? किसी के पास नहीं, हम तो खुद ही टैक्सी कूदकर। I don't know anything, आंटी। असल में इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत घबराई हुई है, बच्ची है ना, आप प्लीज घर चलिए, वहीं इत्मीनान से बैठ के। नो मिस्टर कमल, केस इज सीरियस, इंक्वायरी तो थाने में ही होगी। आप घंटे दो घंटे के लिए इसे घर ले जाइए, और जब ये नॉर्मल हो जाए तो थाने में ले आइएगा, इससे पूछताछ के बाद ही कार्रवाई आ जाएगी। जी अच्छा।